हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो फिर आपके लिए नया वीडियो लेके आ चुका है आपका भाई राहुल, और आप देख रहे हो RSEDITS यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ आप लोग स्नैपसीड से कैसे अपनी फेस को स्मूथ कर सकते हो एकदम अच्छे तरीके से। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि मैं उधर रेगुलर एडिटिंग के बारे में अपडेट देता रहता हूँ। सो अगर मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ होम स्क्रीन पे, एंड आप लोगों को फेस को स्मूथ करने के लिए स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लेना है। इधर से प्लस वाले आइकन में टैप करके आपको अपनी फोटो को इनपुट कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास स्नैपसीड एप्लीकेशन नहीं है तो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्नैपसीड ऐप लिंक बोल के है, उधर से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो देख सकते हो इस फेस का कितना खराब है, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए मैं सिंपल से चलूँगा प्लस वाले पेंसिल वाले आइकन में, एंड इधर से फिर चलूँगा लेंस ब्लर में। ओके, जैसे पूरा जो सर्कल देख रहे हो आप लोग, सर्कल को आप लोगों को पूरा छोटा कर लेना है। ओके गाइस, तो मैं अच्छी तरीके से छोटा कर लेता हूँ, एंड इसको अच्छी तरीके से कैमरे में बैठा दूंगा। एंड ब्लर सेटिंग को आपको रखना है 60 के आसपास। ओके गाइस, तो मैं 60 के आसपास ले चलता हूँ। लेने आने के बाद आपको कुछ भी सेटिंग छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर से राइट कर देना है। ओके, एंड देख सकते हो पूरा फोटो के अंदर ब्लर आ चुका है। एंड मैं चलूँगा इंडो के अंदर, एंड इधर से व्यू एडिट्स पे फिर आपको चलना है। ओके, एंड लेंस ब्लर में क्लिक करके आप लोगों को पेंसिल वाला आइकन ले लेना पड़ेगा। तो देख सकते हो थोड़ा फोटो जैसा था ऐसा ही हो चुका है। एंड इधर से जब आप काम ज़्यादा कर सकते हो तो मैं 75 रखना चाहूँगा, एंड आप लोगों की अच्छी तरीके से आपके फेस के ऊपर मारना है। ओके गाइस, तो मैं इस फेस का ऊपर अच्छे तरीके से मार लेता हूँ। एंड हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी फ़ोटो के अंदर जिधर भी शैडो है आपको उस शैडो पे ये नहीं मारना चाहिए। ओके, यानी कि बरस नहीं करना चाहिए, यानी कि ब्लर नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप लोग बड़ा, तो मैं अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ कर लेता हूँ वीडियो को थोड़ा स्पीड करके। तो आप लोग बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए तब तक के लिए। तो देख रहे हो मैं फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लिया हूँ, आप लोग भी स्मूथ कर लेना। ओके गाइस, स्मूथ करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो राइट साइड राइट दिख रहा है उसको राइट कर देना। एंड अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ करने के लिए फिर आपको चलना है बैक, एंड देख सकते हो फेस स्मूथ हो गया है, लेकिन अच्छी तरीके से स्मूथ नहीं हुआ है। एंड आपको सिंपल सा क्या करना है, अभी आपको चलना है पेंसिल वाले आइकन में, एंड जैसे आपको सिलेक्टिव ले लेना है। ओके गाइस, सिलेक्टिव ले लेने के बाद मिडिल पर टैप करके इसको एरिया को अब मुँह के बराबर कर लेना। ओके गाइस, फेस के बराबर कर लेना, एंड इसके सबसे जो नीचे है उसको मैं माइनस करूँगा, आप लोग भी माइनस कर लेना। ओके गाइस, यानी कि फेस थोड़ा वाइड हो जाए, एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस करूँगा, फेस को ज़्यादा और वाइड हो जाए। तो देख सकते हो फेस अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है। एंड बिफोर आफ्टर आपको दिखा दूँ, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, सीखने को मिला है। अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक से मुझको बहुत मोटिवेट मिलता है न्यू वीडियो अपलोड करने में। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कर देना, ऐसे ही नया नया एडिटिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और क्या, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।